Assalamu alaikum dear friends, my name is Shan Khan and welcome to the Kotler tutorial. आज हम ऐसे एक फ्री हसल के बारे में बात करेंगे, साइड हसल के बारे में, जिससे हम डॉलर्स में अर्निंग भी कर सकते हैं और अपना एक ऑनलाइन स्टोर जो है वो रन कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इस स्टोर के लिए ना ही आपको प्रोडक्ट चाहिए, ना ही आपको कोई इनकम चाहिए, ना कोई पैसे इनकम चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। डिज़ाइनिंग भी हम इसके अंदर थोड़ी बहुत टच करेंगे, डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे और ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर टच करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओपन दिस ब्राउज़र। यहाँ पर हम सर्च करेंगे टी स्प्रिंग के नाम से एक वेबसाइट है जो हमें प्रोवाइड करती है कि हम उधर शर्ट्स को डिज़ाइन करके और उसका अपना एक स्टोर क्रिएट कर सकें। फॉर लर्निंग बेस फॉर साइड इनकम इट इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट अ न्यू स्टोर। तो हम स्टार्ट क्रिएशन के क्रिएटिंग के ऊपर जाएंगे। यहाँ से हमसे छोटी सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ईमेल, पासवर्ड और अपने एक ब्रांड का नेम जो है वो हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और नॉट अ रोबोट को क्लिक करने के बाद ये हमें साइन अप हो जाएगा। मैं साइन अप नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैंने साइन अप कर चुका हूँ, तो उसके लिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये इट्स विल टेक अ लिटिल टाइम। ओके गाइस, फिर हमें कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म नज़र आएगा। ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के साथ साथ हमारा कुछ इस तरह की वेबसाइट होगी, मगर इस तरह की नहीं होगी। हम आपको बताएंगे कि इस टाइप की वेबसाइट आप कैसे क्रिएट करेंगे। फुल एंड फाइनल ये हम आपको बताएंगे कि ये आप इस तरह की वेबसाइट कैसे करेंगे और हम डिज़ाइंस जो हैं वो कैनवा पर क्रिएट करेंगे। कैनवा हमारे पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इन चीज़ों के लिए कि हम फ्री में डिज़ाइंस यहाँ से ले सकें। तो गाइस, हम अभी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि ये मेरी व्यूवर्स की टुडे यू आर इन टॉप ऑफ 9.51% लोगों में मैं टॉप पर हूँ, मेरे डिज़ाइन टॉप पर हैं। तो हम इस पोजीशन पर पहुंचेंगे कैसे? मैंने अभी तक कोई अर्निंग इसके ऊपर नहीं की है, मगर इंशाल्लाह वी विल डू मोर। मैं आगे भी आप लोगों को वीडियोस बताऊंगा कि आगे हमने इसको शेयर कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें। मगर इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट वेबसाइट लाइक दिस। हमारा जो स्टोर है इस तरह हमारा किस तरह शो होगा। ओके, फिर हम इस स्टोर को अगर हम चाहें तो अपनी किसी वेबसाइट के साथ भी लिंक कर सकते हैं। ओके, तो फिर हमें कुछ इस टाइप का ये शो होगा और हमारा ग्राफ जो है वो ज़ीरो मतलब 100% पर ही जा रहा होगा, जो कि हम 100% पीपल में आ रहे होंगे जो कि टॉप 100 में हैं। मतलब अगर हमारी जो है वो परचेजिंग और ये तमाम चीज़ें दिख रही हैं, तो हम क्लिक करेंगे स्टोर्स पर। स्टोर पर आके हम यहाँ से अपना जो ब्रांड नेम है वो यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। मैं कोटलर डिज़ाइनर के नाम से मैंने ये ब्रांड बनाया है और व्यू स्टोर करने पर हमें ये स्टोर नज़र आएगा। तो हम यहाँ पर एडिट स्टोर पर क्लिक करेंगे। अगर हम अपना डोमेन भी परचेज़ कर सकते हैं, डोमेन जो है वो ये वाला नेम होता है, तो डोमेन इज़ आई थिंक नॉट मैटर फॉर दिस।
इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस तरह ही हमने एडिट इसके ऊपर क्लिक किया तो हमें नेविगेशन बार फिर हम शो हो रहा, तो इस जगह पर हम अपनी कोई पिक्चर, कोई लोगो, अपने ब्रांड का लोगो वो अपलोड कर देंगे। मेक श्योर कि ये ऑन हो, और यहाँ से हम ये नेविगेशन बार है इसका ये कलर, और ये वाला कलर जो है वो अपनी ये जो राइटिंग इसके ऊपर हुई है उस वो हम कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ है हमारे पास हीरो। हीरो क्या है कि हमारा ये सब टाइटल जो हमारा ये शो हो रहा है, ये हम मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ChatGPT का। ChatGPT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें हर किस्म का जवाब देता है, लाइक अ लॉयल हस्बैंड, बिना थके बिना कुछ किए हमें जवाब देता है। इट्स विल टेक सम टाइम, ये हमारा ChatGPT स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट मैंने इसको जो है कहा था कि हम देख सकते हैं कि आई हैव अ वेबसाइट फॉर ऑफ माई सॉफ्टवेयर हाउस। मेरे सॉफ्टवेयर हाउस की एक वेबसाइट है, कोटला डेवलपर के नाम से मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है। वी हैव स्टार्टेड अ न्यू ब्रांड टी-शर्ट्स, हमने टी-शर्ट्स का एक न्यू ब्रांड, तो आई नीड अ सब टाइटल मुझे चाहिए। तो उसने, मैंने इसके स्पेलिंग्स भी गलत लिखी हैं, वो उसके बावजूद भी उसने मुझे एक सब टाइटल बना के दे दिया। फिर उसके बाद मैंने टाइटल को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद ये दूसरा टाइटल, हमें टाइटल चाहिए था, फिर मैंने उसको कहा कि टाइटल दो, तो उसने मुझे टाइटल भी लिख दे दिया। नेक्स्ट फिर मैंने कहा मुझे बॉडी चाहिए, बॉडी यानी इधर हमारा अबाउट होना चाहिए, अबाउट चाहिए मुझे, अबाउट भी उसने यहाँ पर लिख के दे दिया। वही अबाउट मैंने उसको कहा इसको स्मॉलर करके दो, उसने स्मॉल करके दे दिया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट जो है वो बटन जो है, बटन हमने इधर URL इसको दे दिया कुर्तलर होम के नाम से, उसको URL दे दिया और हमारी वेबसाइट पे अब ये डायरेक्ट ये काम कर रहा है। तो अगर आप बटन ऐड नहीं करना चाहते हैं, कोई ये तमाम चीज़ें ऐड नहीं करना चाहते, तो वो आपको कोई टेंशन नहीं है। फिर है हमारा फुटर है, फुटर का सेक्शन आता है, उसके हम बैकग्राउंड कलरिंग करेंगे। बैकग्राउंड कलर करने के बाद टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, जो भी है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा बटन, बटन्स के जो है कलर क्या होना चाहिए और बटन का टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, तमाम चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन की गई है। और अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ये कॉपीराइट के लिए भी लिखा कि कॉपीराइट जो है वो क्या कहते हैं, ये भी हमें तमाम चीज़ें इसने एक्सप्लेन करी थी और मैंने एज इट इज़ पेस्ट कर ली फॉर योर लर्निंग एंड एवरीथिंग। अच्छा, हमने ये इमेज जो है वो कैसे अपलोड की है, यहाँ पे बनाई कैसी है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल गया वेबसाइट्स जो है वो सर्च किया। वेबसाइट्स के ऊपर ये हमें एक कंप्लीट ये शो हो गया कि आपके पास अब ये वेबसाइट जो से हैं वो उसके मॉकअप नज़र आ रहे हैं। तो उसके अंदर मैंने ऐसा काम किया है कि ये अब डिज़ाइनिंग की फॉर ब्रांड डिज़ाइनिंग के लिए एक वेबसाइट है, इसी तरह बहुत सी यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। तो मुझे ये वाला पसंद आया था, मैंने ये वाला ये अपलोड किया हुआ है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्रिएट कस्टम डिज़ाइन, कस्टम डिज़ाइन जो है वो मैंने क्लिक कर दिया। फिर ये टेम्पलेट हमें शो हो जाएगा, इसके ऊपर ये जितनी भी और तमाम के तमाम टेक्स्ट है ये मैंने मिटा दिए थे। और ये नेक्स्ट ड्यू टू स्लो नेट इंटरनेट। अच्छा, तो हमारा ये जो सा है ये स्टोर कुछ इस तरह फिर शो हो रहा है। आपके स्टार्टिंग में ये आपकी जो मर्ज़ हैं ये आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, तो इसके लिए ये फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स कौन से इधर अपलोड करना चाहें अपनी वेबसाइट से अपने उससे,
तो हम यहाँ से भी ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं कि ये कौन से प्रोडक्ट्स जो उनसे हैं हम टॉप पर शो करना चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स जो उनसे हैं हम उसके बाद शो करना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें भी हम यहाँ से कर सकते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर फुटर, तो वो भी मैंने इसको ही चैट जीपीटी को कहा कि मुझे टेक्स्ट, आई नीड अ टेक्स्ट फॉर द फुटर, तो उसने वो भी मुझे लिख के दे दिया और मैंने वो ही एज इट इज़ वहाँ पे पेस्ट कर दिया। आई थिंक इट्स डैम श्योर दैट यू आर क्लियर ऑन दिस। तो ये आपको ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शो हो रहा है। नाउ हम दोबारा यहाँ पर आते हैं स्टोर वाली जगह पर। फिर अब हमारा स्टोर जो है एक प्रोफेशनल स्टोर जो है बनाने के बाद हम जाएंगे यहाँ कैनवा पे कोई टी शर्ट्स को डिज़ाइन करेंगे। टी शर्ट्स के लिए अभी अच्छा एक आपको टिप्स साथ में देता जाऊँ कि हमने टी शर्ट किस टाइप की बनानी है। हमने देखना है कि अपकमिंग इवेंट कौन सा आ रहा है, इवेंट किस टाइप का आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर का है, क्रिकेट का है, या इसी तरह मदर डे है, या जिस टाइप का भी है, तो हमने उसी टाइप की टी शर्ट जो है डिज़ाइन करनी है। फिर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हो या अपना नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही दिमाग इस्तेमाल कर लें और आप उससे पूछ सकते हैं कि अगला कौन सा इवेंट आ रहा है उसके लिए किस टाइप की मैं टी शर्ट डिज़ाइन करूँ। तो अब हम ऐसा काम करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहेंगे कि मुझे एक टी शर्ट चाहिए, आई नीड अ टी शर्ट, सॉरी आई वांट टू, आई डिज़ाइन अ टी शर्ट। सो स्पेलिंग डोंट मैटर इन दिस, अबाउट अबाउट किस लिए, आई थिंक कोई न्यू सा आइडिया जो है हमारे पास, तो अबाउट न्यू ईयर, NEW, सॉरी न्यू ईयर के बारे में हम टी शर्ट डिज़ाइन करेंगे। तो ग्रेट आइडिया, तो ये हमें अब देगा कि आप इस न्यू ईयर न्यू यू, अब ये हमें दे रहा है हैप्पी न्यू ईयर के बारे में, अभी ये हमें एक टेक्स्ट दे रहा है ताकि हम उस टेक्स्ट को उसकी बॉडी में, सॉरी उसकी बॉडी कह रहा हूँ, टी शर्ट के जो फ्रंट है बैक है उसके ऊपर। तो मुझे फर्स्ट वाला ज़्यादा पसंद आया, न्यू एयर एंड न्यू यू, तो मैं कहता हूँ इसको ऑप्टोमाइज करें ज़्यादा। ऑप्टोमाइज इट, अच्छा फिर ये हमें SEO इसका करके दे रहा है, तमाम चीज़ें इसका इसकी करके दे सकता है। अच्छा दोबारा हम अपने स्टोर की तरफ आते हैं, हम क्रिएट प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं टी शर्ट्स। मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा लोगोज़ को, लोगोज़ हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं टी शर्ट्स के लिए, टी शर्ट्स के लिए मैं तो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। आई थिंक ये वाला डिज़ाइन जो है बेहतर रहेगा, मगर अब इधर बात आ जाती है कि ये पेड है, ये डिज़ाइन हमारा है पेड, हम इसको बनाएंगे तो ये हमसे पैसे मांगेगा, तो इसका क्या करना चाहिए, इसका भी मेरे पास हल है।
हम इस डिज़ाइन को है बना तो लेंगे। न्यू शर्ट न्यू यू, हम ट्राई करेंगे कि ये दो लाइंस में आ जाए। कंट्रोल वी, दो लाइंस में यहाँ पर तो आ गया है बट नॉट इन दिस पिक्चर। ओ मैंने न्यू यू लिखा था तो ये और कुछ भी साथ में आ गया। आई थिंक ये बहुत बेहतर आ गया है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो है हमारा शो, ओए होए उस डिज़ाइन को फाइनल कर लेते हैं। अच्छा, हमने ये डिज़ाइन फाइनल तो कर लिया मगर ये क्या है, ये कह रहे हैं कि ट्राई कैनवा प्रो, मगर हम इसको एज अ प्रो वर्जन यूज़ नहीं करेंगे। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं जाता हूँ फायरफॉक्स के इस पर। फायरफॉक्स पे भी मेरा ये अकाउंट है तो अच्छा, फायरफॉक्स जो है वो हमें इसके डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देता है, वो भी एक ट्रिक के साथ। वो ट्रिक क्या है वो आज मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, वो कहता है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, मैं यहाँ से भी शेयर कर सकता हूँ विद कुर्तलर। कोटला कॉम जो कुछ भी हो, कुछ मैंने टाइटल लिख दिया, इनवाइट कोटला डॉट कॉम टू हो टीम। जी मेल ओपन कर लेते हैं, जी मेल पर हमें आया हुआ होगा इसका लिंक। तो ये शर्ट हमारी यहाँ पे अभी शो हो जाएगी, शर्ट डिज़ाइन सॉरी। ओके गाइस, ये हमें शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे,
ये हम देख सकते हैं कि हम इसको डाउनलोड पर क्लिक करें तो ये डाउनलोड नहीं हो सकता, ये हमें नहीं दिखाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि टेक स्क्रीनशॉट, किसकी, इसकी, मुझे ये स्क्रीनशॉट इसकी चाहिए और इसको मैं डाउनलोड कर लूँ। ओके गाइस, हम इसके अलावा भी और भी कोई डिज़ाइन्स ट्राई कर सकते हैं। ये डिज़ाइन है, हम इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो यह मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे हम पेड डिज़ाइन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा ये वाला डिज़ाइन, ताकि एक जो कि हमारे आईटीज़ के यूज़र के लिए है वो बेटर रहेगा। यह अब हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक टी शर्ट का डिज़ाइन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड सेक्शन। नेक्स्ट गाइज, हम नेक्स्ट ये कम ऑन शो मी द डिज़ाइन। अच्छा, ये डाउनलोड हो गया है, ये हमें डाउनलोड हो गया। ओके, नेक्स्ट हमें फिर क्या करना है, ये देखें वहाँ से अब जो मैंने चेंजेस की है तो यहाँ पे भी शो हो रही है। नेक्स्ट हमने एक वेबसाइट है बीजी रिमूवर। ओके, बीजी रिमूवर के नाम से ये वेबसाइट है जो आपको बैकग्राउंड इसका, इमेज इसका भी रिमूव कर सकती है। और अगर आप और कोई भी यूज़ करना चाहें वेबसाइट, तो आप वो कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल बीजी रिमूवर का यूज़ कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर पिक्चर अपलोड कर दी है, डाउनलोड्स दिस वन पिक्चर डाउनलोड इन HD क्वालिटी। तो ये कहेंगे कि साइन अप फॉर फ्री और आप कोई भी अपना अकाउंट जो है इसके साथ लिंक कर सकते हैं। ये हमसे क्या मांग रहा है? अच्छा, ये हमसे कहा प्लीज क्लिक ऑन ऑल इमेजेस कंटेंट इलेक्ट्रिसिटी पोल्स। पोल्स को हमने क्लिक करना है, ये रहे तीन पोल्स थे। दूसरी वेरिफिकेशन, अच्छा उसमें भी पोल्स ही हैं जी, वेरीफाई कर दो। अब ये हम इसको डाउनलोड करेंगे। इन HD क्वालिटी ये हमारे पास डाउनलोड हो गई है ये टी शर्ट। तो अच्छा, इसको अगर मैं चेंज कर दूँ तो वो बेहतर रहेगा। वो नॉट यूर फॉर इसके लिए फॉर वेब डेवलपर्स या कोई भी डेवलपर हो, इट्स नॉट मैटर। आई स्पीक कोर
वेब डेवलपर निंजा, वेब डिव लाइफ, HTML, CSS, JavaScript, ये तमाम चीज़ें, मगर आई थिंक आई स्पीक कोड ये बेटर रहेगा। ओके गाइस, अच्छा फिर हम अपनी डैशबोर्ड पर आते हैं। तो हमने जब क्रिएट पर क्लिक किया तो हमें ये तमाम चीज़ें दी, तो क्लासिक हुडीज़ और यहाँ पर मग्स आएंगे, इनों को केप्स आएंगी, ये तमाम चीज़ें हम अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और ये हम सेल नहीं करेंगे, ये ख़ुद ही वो प्रिंट करके और सेल करेंगे। तो यहाँ पर टी शर्ट्स हैं, हम बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर टी शर्ट क्लिक करते हैं। एड इमेज, एड इमेज के अंदर हम ये वाली इमेज, सो नॉट दिस वन, ये वाली इमेज हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आई थिंक थोड़ा मच अप इधर आता है। आई स्पीक कोड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट पे स्पीक कोड को नीचे ले जाते हैं और फॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद इसको हम कलर कलर चेंज कर लें, हाँ कलर ये कर लेते हैं। बट मैं कहता हूँ कि आई का कलर ये हो और ये तमाम का तमाम ब्लैक में हो। दोबारा करेंगे, अक्सर ये प्रॉब्लम्स देता है, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये बाद में सॉल्व कर लें। कैपिटल आई जिसका कलर हो रेड, बेटर रहेगा रेड, आई थिंक बेटर रहेगा। आई के बाद हम सॉरी आई के टेक्स्ट स्टाइल भी हम चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट स्टाइल हम हेलोवीन वाला रख लें या कोई अच्छा सा बेहतरीन सा टेक्स्ट, जो आई थिंक ये वाला बेहतर ही रहेगा। आई स्पीक कोड, अब स्पीक कोड के लिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, इसको हम इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। मेक श्योर कि आप लोगों ने सही जगह पे इसको पेस्ट किया हो। इसको भी हेलोविन कर लेते हैं। मच बेटर बट साइज इज नॉट। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो यस आई स्पीक स्पेक कोड। ओके, ये हम अपना
प्रोडक्ट देख भी लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन हुआ है। ये देखिए हमें प्रोडक्ट कुछ बहुत बेहतरीन सा दिख रहा है। तो दैट्स ऑल। अच्छा, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई मतलब वन कलर नहीं, इसको बहुत सारे कलर्स में भी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से कलर में वो लेना चाहें। जो कलर हम इधर क्लिक करेंगे तो वो हमारा वहाँ पे शो हो जाएगा। आई सेलेक्ट दीज कलर्स। यहाँ पर ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि ब्राइट कलर जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप जितना कम मार्जिन रखें उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। 18 रखें, क्योंकि इन पाकिस्तान डॉलर जौन सा है वो 300 या कुछ कम 250 से तो अबव ही है। तो $2 जो है हमारे कम से कम 500-600 रुपये बन रहा है। तो आई थिंक इट इज़ अ बेस्ट फॉर स्टार्टिंग। अगर आपकी दिन में एक मर्च एक सेल हो जाती है तो वो भी बहुत है। फिर यहाँ पर हमें बहुत सी वुडीज़ और ये तमाम प्रोडक्ट्स हमें दिखेंगे कि जो कि हम डिज़ाइन कर सकेंगे इसके अंदर ही। कि आप वुडीज़ को लेना चाहते हैं, वुमेन टी शर्ट्स को, मैं वुमेन को भी ऐड करना चाहूँगा क्योंकि देट कैन आल्सो बाय वुमेन विद लॉन्ग स्लीव वाली भी होनी चाहिए। लॉन्ग स्लीव के साथ साथ क्लासिक ये इसको नहीं करते हैं, एक उडी ऐड कर लें, उडी बेहतर रहेगी, साथ में एक मग भी ऐड कर लें। ज़्यादातर लोग मग भी प्रेफर करते हैं। और एक बहुत बेहतरीन चीज़ इसके अंदर हमारे पास है, डेस्क मैट। डेस्क मैट क्यों हम ऐड करेंगे, क्योंकि डेस्क मैट जो है ज़्यादातर प्रोग्रामर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने इसके लिए। तो इस के ऊपर हमारी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो प्रोग्रामर है, तो हम उसी को जहन में रखते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम दोबारा इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। इसकी आई स्पीक कोड जो सा है इसको मैंने हटा दिया है, हटाना तो नहीं चाहिए था, इसको भी मैंने हटा ही दिया है। फिर दोबारा मैं टेक्स्ट जो है वो पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे आई साथ में इसको हालोवीन डेंजरस कलर भी दे देते हैं इसको साथ। चेक करें आई थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, हाँ अब बेहतर है, नहीं थोड़ा सा नीचे ही आएगा। हम आई को मिटा देते हैं, स्पीक कोड को हम यहाँ पर लगा के संभाल कर लेते हैं। चेक करें थोड़ा सा ऊपर, अब बेटर है। स्पीक कोड, सॉरी, आई का कलर हमने चेंज करना है तो आई का कलर चेंज करते हुए ये रेड कर लेते हैं। Now it's look nice। इसी तरह हम तमाम अपने प्रोडक्ट्स जो से हैं वो डिज़ाइन कर लेंगे, और डिज़ाइन करने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, और मेक श्योर वही बात के अपना मार्जिन थोड़ा कम ही रखें तो बेहतर रहेगा। तो भाई यहाँ पर 34 लोगों को 6 रुपीज़ मुझे आ रहा है, 6 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हम 32 रखें या 33, तो $5 सॉरी आ रहा है हमें। कंटिन्यू,
कॉन्फर्म टी, ये तो हमने अभी डिज़ाइन, फर्स्ट डिज़ाइन जो सा था ये हमने किया था। मग, मग ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि मग को भी हम डिज़ाइन करें। तो ये देख लें कि कुछ अच्छा नहीं है इसका डिज़ाइन, इसका बैक देख लें, फ्रंट देख लें, तो ये हमें कुछ मज़ा नहीं दे रहा। तो हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे थोड़ा, और इसको सेंटर में होना चाहिए, या टॉप पे, सेंटर सेंटर बेटर लगता है। ओके गाइस, हम प्रीव्यू पर कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा टाइम लगेगा फॉर जनरेटिंग दिस पिक्चर। ये हो गया हमारा फ्रंट, ये बैक, ये फ्रंट, और ये हमारा हो गया राइट साइड। तो ये कुछ अच्छा खासा ही दिख रहा है। कुछ अगर हम ये करें, कलर चेंज करने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, हम इसके अंदर मल्टीपल कलर्स हैं हमारे पास, चूज़ कर सकते हैं हमारी टारगेट ऑडियंस के मुताबिक। हम ब्लैक करें तो ब्लैक तो हमें शो ही नहीं हो रहा। अब ब्राउन, आई थिंक ब्राउन ब्राउन बेहतर रहेगा। हम प्रोवाइड करते हैं कि ज़्यादातर कलर बीच में हो। अच्छा, नेक्स्ट हम इसका प्राइस जो है वो भी कम करेंगे। 6 रुपीज़ हमने उसको, 11 रुपीज़, $1, आई थिंक ऑन अ मग इट विल बी इनफ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क मैट। आई थिंक ये ज़्यादा बिकेगा, जितना मेरा आइडिया है ये ज़्यादा बिकेगा। बट इसका डिज़ाइन जो है वो ठीक नहीं आ रहा। ओके, तो मैं कहता हूँ ये दराज है और ये दराज है, वट इट्स है। ओके, इसको मैं थोड़ा इस साइड पे ले जाता हूँ। अब प्रीव्यू डिज़ाइन कर लेते हैं, देखें कुछ बेहतर ही आई है, बहुत बेहतर ही आई है। आई स्पीक कोड बेटर है, बहुत बेटर है ना। इसकी भी प्राइस हम थोड़ा कम कर लेते हैं, 24.99। नहीं, हम इसके ऊपर भी मार्जिन अपना कम ही रखते हैं, 3 नहीं 2 कर लेते हैं। थिंक $3 विल बी इनफ फॉर दिस। ओके, डिस्क मैट भी हो गया। इस तरह आप इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आप ऐड करें उतने ही आपको आपका डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा जाएगा आगे। नाउ चेक दैट, सबसे बेहतरीन बात, आई एम नॉट अ गुड डिज़ाइनर। तो मैं जितना कुछ मुझे आता है उसी के मुताबिक ही मैं काम कर रहा हूँ कि मुझे जितना मैं कर सकता हूँ। तो प्रीव्यू पर चले जाते हैं, देखें, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और इसको हम कर देते हैं, 24 था तो 19।
19 वाज द बेस्ट, 19.99 डॉलर्स जो हैं वो हमारी आ जाएंगे, वुमेन के लिए भी हो गई। एक लास्ट शर्ट जो है वो हमारी रहती है, इसका बस डिज़ाइन ठीक ठाक है, थोड़ा सा बस इसके अंदर अपग्रेडनेस चाहिए कि इसको मैं डाउन और डाउन कर लूँ, थोड़ा इसको नीचे कर लूँ और थोड़ा इसको नीचे कर लूँ। ठीक है, कलर्स इसके अंदर और कोई प्रोवाइड कर सकता हूँ क्या मैं? वुमेन के लिए कोई और कलर मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, वुमेन। हाँ 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 वुमेन क्लासिक टीज इसके अंदर कलर मैं प्रोवाइड कर लेता हूँ। ओके बेस्ट रहेगा, कोई और कलर साथ में ये भी ठीक है। डार्क डार्क नॉट गुड, दिस डार्क नॉट गुड नॉट गुड, ये ब्लू ब्लू डार्क पिंक पिंक। ओ बी आर हमसे हमारा हाइड हो रहा है। ओके तो आई थिंक इट्स डन, अब हम आगे जाते हैं। तो यह हमसे मांगेगा टाइटल, तो अब मैं कहता हूँ ये मैंने चीज़ सेलेक्ट कर ली है, आई हैव सेलेक्टेड दिस। अच्छा ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है और साथ में मैंने इसके ऊपर आई हैव वेट फॉर अ सेक राइट अ कोड, कोड क्या लिखा है मैंने, मुझे तो कोड भी भूल गया है इसके ऊपर। ऑन एपीआर कोड मैंने आई हैव राइट अ कोड ऑन ए पी आर, दिस आल टेक्स्ट txt इज ऑन माई शर्ट, ये तमाम टेक्स्ट मेरी शर्ट पर है। आई नीड अ टाइटल, अपलोड ऑन माय वेबसाइट, ये हमें अब बहुत से टाइटल्स लिख के दे रहा है कि किस हम यहाँ पर टाइटल लिखेंगे। तो इस बॉय का कोड टी शर्ट लेट यू स्किल टेक योर, ये हमारे बहुत से टाइटल हैं, वेयर योर स्किल वेल ट्राइड। लैंग्वेज ऑफ द वेब, स्पीक द लैंग्वेज हमारे लिए बेहतर रहेगा, स्पीक द लैंग्वेज ये भी पूछ लेते हैं कि ये किसान इसको कहते हैं आप। okay.
ये अब हमें कह रहा है कि ये कहता है कि ये अच्छा है, तो चलो ये अच्छा है तो हम इसी को ही कॉपी करते हैं। ये हमारा टाइटल हो गया इसके लिए, तो ये मैंने टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर दी। ओहो टाइटल बड़ा है, टी शर्ट को मिटा दो क्योंकि टी शर्ट नहीं है, हमारा मग भी है। फिर इसको हमने कहना है SEO। भाई ये हमें SEO करके दो, इसके बारे में सर्च ऑप्टिमाइजेशन इंजन करके दो। कोट टी शर्ट, आई थिंक ये कोट टी शर्ट बेटर रहेगा। कोट टी शर्ट जो है, कोडिंग टी शर्ट, प्रोग्रामर टी शर्ट, ये दो चीज़ें मेरे ख्याल से बेहतर है। तो हम एडवांस के अंदर जाके स्पीक द लैंग्वेज फ्ला 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 बता दो यार। कोडिंग कोडिंग ठीक रहेगा। और प्रोग्रामिंग टी शर्ट, ये कीवर्ड हमारे लिए बेहतर रहेंगे ताकि ये सर्च करने पर आ जाए। ये रहा ना, ये हो गई बात। और साथ साथ सॉरी, ये बेहतरीन है। इसको हम पब्लिक भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। टी शर्ट ही लग। और अच्छा, अब हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन इसकी, तो ये है डिस्क्रिप्शन। इसको सिर्फ लिख के देना है मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए इसके बारे में, तो ये हमें डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे देगा। मगर मेक श्योर कि ये 250 उसकी हो, मगर ये 250 की नहीं है, तो 250 वर्ड्स, सॉरी 250 वर्ड्स डिस्क्रिप्शन। ये तो बहुत बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम इसको कहते हैं मेक इट SHORTER। इसको और भी छोटा करें, ये फिर भी मेरे ख्याल से बड़ी है। तो मोर शॉर्ट, ओके इसको और भी शॉर्ट करो। आई थिंक अब ये काम करेगी, ट्राई करते हैं क्या करता। किराया ज़्यादा है, शॉर्टेस्ट करो इसको। अब बनी ना बात, यहाँ पर हम लिख देते हैं आइटम्स। बेहतर, तो हम यहाँ से सिंपल क्लिक करेंगे लॉन्च पे, तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो ये यहाँ पर
हम नीचे दे सकते हैं कि ये कुछ टाइम ले रहा है, 3 स्टेप्स ये कवर करेगा कि ये आपकी इमेज में कोई प्लेजरिज्म और ये तमाम चीज़ें चेक करेगा कि ये चीज़ें ना हो। तो हमने तो अपना ही प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, तो ओवरऑल ये हमारा प्रोडक्ट था, 2 स्टेप में दाखिल हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला अगर इस वीडियोस पर अच्छे रिव्यूज़ आए और अगर आप लोगों ने कहा तो मैं इसके ऊपर और स्टडी करूँगा और इसको शेयर करना लोगों के साथ और ये तमाम चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो शेयर करने से ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जितना करेंगे उतना लोगों तक इल्म फैलेगा, और इल्म और रिस्क ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आगे प्रोवाइड करने से, तो ये आपकी मर्ज जो सी है, जो शर्ट्स जो सी हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी। ये अभी तक अपलोड नहीं हुई, जिस रही हैं ये अपलोड हो जाएगी तो हमें वहाँ पर शो हो जाएंगी इस तरह। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी इस वीडियो में प्रॉब्लम हो तो मुझे कह सकते हैं।